श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष पर्व चल रहा है और अभी बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं गुप्त नवरात्रि में। जितने भी दिन बचे हैं ना, अगर यह उपाय आपने उन दिनों में कर लिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। बस क्या करना है, आपको लौंग का जोड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी जीवन की जो तकलीफें होंगी वो तो खत्म होंगी, साथ ही साथ फैमिली परिवार आपका बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। 3-4 दिन और बचे हैं इस गुप्त नवरात्रि में, जब भी आपको टाइम मिले इस उपाय को कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे अगर कल करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो, समझने कोशिश करते हैं, मैंने क्या लिखा था कि आपको क्या लेना है, दो लौंग का जोड़ा। लेकिन समझिएगा, इस उपाय को करने के लिए हमारे घर में जितने सदस्य होंगे उस अकॉर्डिंग हमें सामान को लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण के तौर पर मान रहा हूं, मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग रहते हैं, कितने लोग, 5 लोग, तो लौंग का जोड़ा कितना लेना है आपको, 10 लेना होगा, यानी कि 10 लौंग आपको लेने होंगे। 5 लोग होंगे तो 10 लौंग, 4 लोग हैं 8 लौंग, जितने लोग होंगे आपके घर में उसका डबल कर देना, उतने लौंग लेने हैं, ठीक। साथ ही साथ आपको बनानी होगी अपने घर में पूरी। आप कहोगे भैया इसका कौन सा उपाय होता है, देखो समझने कोशिश करिएगा, यह उपाय अगर आपने नवरात्रि के दिनों में कर लिया तो आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। जिस वजह से माता रानी आपके घर से रूठी हुई होती हैं, वो माता आपसे खुश हो जाती हैं। अब आपको पूरी कितनी बनानी है, मैंने क्या बताया कि 5 लौंग अगर आपने लिए हैं, 5 सदस्य घर में हैं तो कितने लौंग लेने थे, 10 लौंग। लेकिन अगर 5 सदस्य आपके घर में हैं तो पूरी कितनी बनानी है, मात्र 5 पूरियाँ आपको बनानी है। जो पूरी बनाओगे वो साफ सुथरे आटे से होना चाहिए, बिल्कुल सफाई से आपको बनानी होगी पूड़ियां, ठीक है ना। अगर 10 लोग रहते हैं घर में तो 10 पूड़ी बनाना, ठीक। जितने लोग रहेंगे घर में उतनी पूड़ियां, जितने लोग हैं घर में उसका डबल करेंगे लौंग, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आपको एक चीज को और बनाना है, वो भी आपको सफाई से ही बनाना है, और ये आपको बनाना है आटा लेना, ठीक है ना। आटे को थोड़ा सा कढ़ाई में भून लेना, ठीक। भूनने के बाद में उसके अंदर गुड़ डालना, ठीक है ना। गुड़ को अच्छे तरीके से जब आप मिक्स कर दोगे दोनों में, हल्का सा चीनी शक्कर डाल करके, तो आपको उस मिष्ठान का जो कलर होगा कुछ ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और वो भी आपको बहुत सफाई से साफ सुथरे आटे से बनाना है, ठीक है ना। बना लिया, अब बनाने के बाद में नियम समझना, जो आपने आटे का और गुड़ का मिष्ठान बनाया है ना, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस मिष्ठान को आपको जितनी पूड़ियां आपने बनाई है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से रखना होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने रख दिया, अब आपके घर में जितने सदस्य होंगे उस अकॉर्डिंग रखोगे, और हर पूरी के ऊपर 2-2 लौंग रखेंगे। जितने भी आपने पूरी लिया है उस पूरी के ऊपर, उस मिष्ठान के ऊपर आपको लौंग रखना है ना, रख लिया। फिर आप इन सभी चीजों को उठाना और पहुंच जाएंगे कहां पे, नीम पेड़ के नीचे जाएंगे, जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास में हो, नीम पेड़ के नीचे उन्हीं पूड़ियों का आपको भोग लगाना है। नीम का पेड़ हो तो वहां पे, और देवी माता का अगर आपके पास में घर के आसपास मंदिर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे भी जाकर के उन पूड़ियों का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में आप माता से विनती करना, हमारे घर में ऐसी संकट होती है, ऐसी समस्याएं होती हैं। ऐसा करके जितनी भी पूड़ी का आपने भोग लगाया है, जैसे 5 पूड़ियों का भोग लगाया है, तो उन 5 की 5 पूड़ियों को उठा लेना, अपने पास रखेंगे, एक लोटे में हल्दी डाल करके नीम पेड़ के नीचे जल चढ़ा देना, और जो 5 पूड़ियाँ आपने बनाई थी उसको लेके अपने घर पे जाएंगे। जितनी भी पूड़ियाँ बनाई थी उतने ही सदस्य घर में थे, सभी को एक एक पूड़ी आपको खाने के लिए दे देनी है। जीवन में कभी आपके घर में कोई तकलीफें नहीं आएंगी। देखो ये उपाय कहां से पता चला, बताए ऐसा उपाय पूज्य गुरुजी ने कभी अपनी कथा में नहीं बताया, ना ही उनकी किताब में है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं। लेकिन जब भी नवरात्रि आती है, मेरे घर में मेरी दादी हैं, वो इन सभी चीजों को बताती हैं कि ऐसा करना चाहिए घर में होता है, तो मुझे लगा कि हमारी दादी मुझे बताती हैं, तो मुझे लगा आपको भी मैं इस चीज को बताता हूं। अगर करना होगा तो कर लेना, बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। एक बार आप भी मेरी कहने से एक बार इस प्रैक्टिकल को के जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अब हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरुजी की कथा के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं, और यह उपाय होगा किसी भी इंसान को सुधारने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा है, ठीक है ना, या फिर आपके कोई हस्बैंड है, या फिर आपकी कोई वाइफ है, वो बिगड़ गए हैं। बिगड़ने का मतलब वो गलत दिशा में चले गए हैं, ठीक है ना, वो अपनी दिशा से भटक गए हैं। गलत लोगों के साथ रहना, गलत लोगों के साथ बात करना, आचरण गलत हो जाना, ठीक तरीके से बात ना करना, उसके लिए मात्र आपको 2 लौंग लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना। जितने भी दिन अभी नवरात्रि में बचे ना, किसी भी एक दिन आपको टाइम मिले इस उपाय को करिएगा। क्या करना है,
लौंग लेना। लौंग को लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेना होगा एक बेलपत्र, ठीक है ना, सिर्फ एक बेलपत्र लेंगे, ज़्यादा नहीं। उन दो के दोनों लौंग को लेंगे, बेलपत्र को लेंगे, और एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और पहुंच जाना है सीधा कहाँ पे, फिर से आपको जाना होगा नीम पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि नीम पेड़ के नीचे ही तो देवी माता का वास होता है, मैंने आपको बता रखा है ना। क्या करिएगा, उस एक बेलपत्र को पहले नीम पेड़ के नीचे रखना ऐसे करके, और जो दो लौंग मैंने आपको दिखाया आपको इसी के ऊपर रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, एक गलत दिशा में चला गया है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करके, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से नीम पेड़ की जड़ में अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो उस व्यक्ति का जो गुस्सा होगा, गलत आचरण होगा, गलत दिशा में चला गया है, वो इंसान सही दिशा में वापस आएगा। बाकी इस बेलपत्र को और इस लौंग को वहीं पे छोड़ करके और फिर आपको अपने घर की तरफ चले आना है। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा ही उपाय था, मुझे लगा आप सबको ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है ना। दो उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूर्वा के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे यह उपाय किसके लिए था, मैंने अभी आपको बताया बीमारी के लिए। तो आपको क्या करना है, दूर्वा लेनी है। गिनती मत करना 2, 4, 5, 10, नहीं, आपको जितनी दूर्वा लेनी है दूर्वा ले लेना। दूर्वा को लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेनी होगी बेलपत्र। क्या लोगे, बेलपत्र। अब इस बेलपत्र के जो बड़ा वाला पत्ता होता है, इसी पत्ते के ऊपर जितनी भी आपने दूर्वा रखी है उस दूर्वा को रख देना। रखने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये उपाय हम बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो इस जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालना, ठीक है ना। गंगा जल नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का जल भी डाल सकते हो। इन सभी चीजों को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो आपके पास में बेलपत्र है जिसके ऊपर दूर्वा रखी है, वो आपको रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कुंद केश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, कुंद केश्वर महादेव के नाम से रख देना। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, जो मैंने आपको बताया, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज सुनिएगा, जल चढ़ाओगे तो जल इसी बेलपत्र दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो आप इस जल को यहां से रोक लेना। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, इस जल को जब आचमन कराओगे ले जाके, तो कौन से महादेव का नाम लोगे या फिर कौन से भगवान का, मणिभद्र भगवान। कौन से भगवान, मणिभद्र भगवान के नाम से आप इस जल को उस व्यक्ति को पिला देना। उस व्यक्ति का जो भी बीमारियां होंगी, बरसों से आप परेशान हो, मेडिसिन करा के दवा करा के थक गए हो, वो सारी बीमारियां उस व्यक्ति की खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को यह उपाय भी अपने घर पे ही करना है, चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यह उपाय किसके लिए होगा, यह उपाय है आपके घर में प्रेम को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। प्रेम, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति से, आपको अपने प्रेम को और स्ट्रांग करना है और मजबूत करना है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको लेना होगा एक आम का पत्ता, मिल जाएगा हर जगह, अब तो आम का पत्ता मिलेगा। आम के पत्ते के ऊपर आपको लाल चंदन से दो बिंदियाँ लगानी है, जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, एक बिंदी आप ऐसे लगाना और एक बिंदी आप ऐसे लगाना, ठीक है ना। लगा दिया, अब आपको क्या करना है, इस आम के पत्ते को उठाना, ठीक। उठाने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में एक आम का पत्ता है, उस आम के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, आशुतोष महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव, आशुतोष महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे, और फिर उसी आम के पत्ते के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। महादेव से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, ये इंसान है, हमसे ठीक तरीके से बातें नहीं करता है, हमारे बीच में प्रेम नहीं है, हमारे
में लड़ाइयाँ होती हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे बीच में जन्मों जन्मों तक प्रेम बना रहे, ऐसे प्रार्थना करके जल चढ़ा देना, आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा। तो मैंने कोशिश की है जितने भी दिन बचे हुए हैं नवरात्रि के, उनके बहुत प्यारे से उपाय को बताने की। आपको करना होगा तो कल कर लो, मन है परसों कर लो, लेकिन करिएगा ज़रूर यह गुप्त नवरात्रि खत्म होने से पहले, ठीक है। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन भी बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें, उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।